Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Waqaf Javed and welcome to Eco Graphics. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब Upwork से आप अपनी पहली अर्निंग विड्रॉ करने लगते हैं तो उससे पहले एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है या फिर सेटअप करना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है इसको देखने के लिए हम चलते हैं Upwork के ऊपर और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो ये हम लोग आ गए Upwork के ऊपर। तो Upwork के ऊपर आपको ऊपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड एंटर करने को कहेगा ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि आप ही इस आईडी के रियल ऑनर हैं। इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे गेट पेड का ऑप्शन है। इस गेट पेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आपने गेट पेड के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। तो मेरे पास जस्ट अकाउंट में इस टाइम $8 पड़े हुए हैं। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा पेमेंट डिटेल्स और यहाँ पे लिखा होगा यू हैव नॉट सेट अप एनी पेमेंट मेथड्स येट। तो हम यहाँ से ऐड मेथड करते हैं। देखें टेल अस हाउ यू वांट टू रिसीव योर फंड्स, इट मे टेक अप 3 days टू एक्टिवेट योर पेमेंट मेथड। तो हम इसको यहाँ से ऐड मेथड करते हैं। अब जब हमने ऐड मेथड किया यहाँ पे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आए हैं। फर्स्ट रिकमेंडेड फॉर पाकिस्तान है डायरेक्ट टू लोकल बैंक। पहला ऑप्शन ये है कि आपके डायरेक्ट जो भी बैंक है उस अकाउंट में डायरेक्ट जो फंड्स होंगे वो आ जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड जो है वो ऑप्शन है पायनियर का और थर्ड है वायर ट्रांसफर और जो फोर्थ है वो डायरेक्ट टू यूएस बैंक। अब हम यूएस में तो रहते नहीं है इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता और इसी तरह वायर ट्रांसफर वाला ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। फर्स्ट वाले में जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि $0.99 पर विड्रॉ डिपॉजिट टू योर लोकल बैंक अकाउंट इन PKR। सेकंड को हम देखेंगे इसमें $2 पर विड्रॉ, मतलब अगर आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो $2 कट जाएंगे। और इसके बाद पायनियर की जो फीस है वो एडिशनल होगी उसमें कौन नहीं है। तो बेस्ट हमारे लिए जो फर्स्ट वाला ये है कि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाए और जस्ट 0.99 वो समझ लें $1 की ट्रांजेक्शन फीस हो। तो हम सेटअप पे क्लिक करते हैं। जब हमने सेटअप पे क्लिक किया तो उसने सबसे पहले हमसे पूछा कि स्विफ्ट कोड यहाँ पे एंटर करें। तो बेसिकली स्विफ्ट कोड के लिए हम क्या काम करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और हमारा जो बैंक है जिसका मेरा मिजान बैंक है तो हम जस्ट मिजान बैंक स्विफ्ट कोड लिख देंगे और आगे आप जो सिटी है आपका, जैसे मेरे पास इस्लामाबाद ऑटोमेटिकली आ गया तो मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ। तो इसने ये देखें यहाँ पे मुझे इस्लामाबाद का स्विफ्ट कोड ऑटोमेटिकली दे दिया है। तो आपका जो भी सिटी हो आप बैंक पहले लिखें, अगर आपका मिजान है, HBL है, अस्करी है, जो भी बैंक है, और उसके साथ आगे स्विफ्ट कोड लिख के अपना सिटी लिख दें तो इस तरह आपको डायरेक्ट वो दे देगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे और हम इसको फाइंड करेंगे। जब हमने फाइंड किया तो इसने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे नीचे इसने बताया कि क्या एक्सचेंज रेट मिल रहा है 169.9 मिल रहा है और विड्रॉ फीस है $0.99 पर विड्रॉ। अब यहाँ पे नीचे हमने अपनी अकाउंट होल्डर बैंक इंफॉर्मेशन वो ऐड करनी है। तो अकाउंट होल्डर बैंक इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे है इंटर IBAN नंबर। IBAN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो इसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे गूगल पे द्वारा। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आपका बैंक है, मेरा मिजान है तो मिजान बैंक IBAN जनरेटर, ठीक है। जब हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह लिंक आ जाएगा IBAN जनरेटर का। ये सारे बैंक्स मिजान HBL एस्क्री सारे बैंक्स ये फैसिलिटी देते हैं। अब देखें यहाँ पे
सिलेक्ट सिटी, सबसे पहले आपने सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस तरह मेरा सिटी इस्लामाबाद है तो मैंने इसको इस्लामाबाद सिलेक्ट किया है। फिर आप ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, वो ब्रांच ऐड कर दें और नीचे आपने अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। 10 डिजिट जब अकाउंट नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देंगे और यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये जो स्टार्ट के 4 डिजिट थे, ये एक्स्ट्रा थे, मैंने 14 डिजिट ऐड किए हैं। तो ये जो 4 थे एक्स्ट्रा थे, तो आपने इनको बैक करके 10 कर लेने, स्टार्ट वाले 4 डिजिट खत्म कर देने। अब देखें, मैंने जून जनरेट पे किया तो उसने मेरा आईबीएन नंबर यहाँ से जनरेट करके मुझे दे दिया और ब्रांच कोड बता दिया। जो फर्स्ट पे था, जो 4 डिजिट हमने ऐड किए हुए थे, वो ब्रांच कोड था। तो वहां से हम कॉपी करके आईबीएन नंबर यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे। सेकेंड है पोस्ट कोड। तो यहाँ पे हमने जो पोस्टल कोड है वो ऐड करना है। अब पोस्टल कोड के लिए भी आपने गूगल पे आना है और अपना सिटी लिख के आगे पोस्टल कोड लिखना है। मेरा इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद लिखता हूँ, आगे लिखूंगा पोस्टल कोड या पोस्ट कोड। अब मैंने यहाँ पे अपना सिटी और सिटी के साथ जो मेरा एरिया है वो भी एग्जैक्ट लिखा है, तो मेरे पास एग्जैक्ट पोस्टल कोड आ गया। अगर आपके पास एग्जैक्ट पोस्टल कोड ना आया तो जस्ट आप अपना सिटी लिख के जो एक ओवरऑल जनरल पोस्टल कोड है वो आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना जो एग्जैक्ट मेरे एरिया का पोस्टल कोड है मैं उसको कॉपी कर लूंगा। तो पोस्टल कोड मैंने ऐड कर दिया है। अब बैंक अकाउंट टाइप में हमने देखनी है पर्सनल या कंपनी, तो ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद ब्रांच नेम हमने लिखना है, तो आपको पता होगा कि आप किस ब्रांच के अंदर अकाउंट है, उसका नाम क्या है, तो वो आपने नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। अब जो ब्रांच का एड्रेस है वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है आपकी अपनी डिटेल्स। सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, ये वही नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर है। यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिखना है, नेक्स्ट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले हमने ईयर पे जाना है, तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ईयर पे आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पे हमने डेट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ सेट होगी, नेम ऑन अकाउंट भी हो गया। एड्रेस अब देखते हैं, तो मैंने एड्रेस ऐड कर दिया यहाँ पे। सिटी एंड स्टेट हमने ऐड करना है, सिटी इस्लामाबाद है, कंट्री ऐड करना है। सिटी और कंट्री मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद नीचे नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा उसी तरह आप पीए पाकिस्तान कर लें यहाँ पे, तो पाकिस्तान हमने कर लिया। 0 आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे आपने इसके ऊपर चेक मार्क कर लेना है। एक बार पहले सारी डिटेल्स एक बार लास्ट बार आपने देख लेनी है, क्योंकि अगर ये डिटेल्स गलत होगी तो आपका अकाउंट ऐड नहीं होगा। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि डबल चेक कर लें ताकि ये ना हो कोई मसला हो, तो आप इसको नेक्स्ट कर लें। तो उसने कहा है कि योर डायरेक्ट टू लोकल बैंक हैज बीन एडेड, विजान बैंक लिमिटेड अकाउंट एंडिंग इन 446 PKR विल बी बिकम एक्टिव इन 3 डेज। उसने कहा कि 3 दिन तक जो है ना ये एक्टिव हो जाएगा, और अभी ऐड हो गया है। सक्सेसफुली हमने बैंक ऐड कर लिया है, और उसने जो लास्ट डिजिट एंड 3 वो बताए हैं कि ये लास्ट 4 डिजिट बेसिकली ये जो है ना आपके बैंक अकाउंट के, और इसके साथ आपका बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे उसने पेमेंट मेथड्स में ऐड कर दिया है, लेकिन ये है कि उसने कहा 3 दिन के बाद 17 फरवरी तक ये एक्टिव हो जाएगा। तो जब आप पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे तो 3 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 3 दिन के बाद आपका पेमेंट मेथड एक्टिव होगा। इसके अलावा आप अगर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको ये कंफर्मेशन दे देगा कि पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफर डैश डैश वाज रिसेंटली एडेड टू फाइनेंशियल अकाउंट मोहम्मद वकास जावेद। तो यहाँ से भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फ्रीलांसिंग, अपवर्क और फाइवर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी
मुश्किल पेश आ रही है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।